हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ द पैनल स्टेशन के बारे में। द पैनल स्टेशन से दोस्तों आप अपने पॉइंट को, जितने भी पॉइंट आपने अर्न की है, उनको रिडीम कैसे करोगे, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको रिडीम कर दिखाने वाला हूँ अपने इन सभी पॉइंट्स को। तो इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। इसके लिए सबसे पहले आपने रिडीम पर क्लिक करना है। रिडीम पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो जनरल रिवॉर्ड्स की जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट की आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। यहां पर जो भी आपका पेमेंट का मेथड है उसको दोस्तों आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। चाहे आप Amazon यूज करते हो, Flipkart यूज करते हो, जैसे मैं Paytm को यूज करता हूं तो मैंने Paytm को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जितने भी पॉइंट आप यहां पर रिडीम करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करना है। यहां पर दोस्तों जो भी आपकी Paytm की आईडी है उसको दोस्तों 1 2 3 4 जैसे मैंने फिल की है, इस तरह से दोस्तों आपकी एक आईडी होगी, उसको दोस्तों आपने फिल कर बाय पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपसे यहां पर डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। जो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपने डालनी है। इसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन दोस्तों यहां पर आपने सिंपली जाकर क्लिक करनी है। तो यहां पर वेरिफिकेशन कैसे करनी है उसके बारे में यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो नंबर दोस्तों आपने पहली बार डाला था यहां पर दोस्तों उसी नंबर को आपने डालना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपने मिस्ड कॉल की आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। मिस्ड कॉल कर दोस्तों जब आप क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों एक कॉल आएगी, अननोन कॉल आएगी, उसको दोस्तों आपने अटेंड नहीं करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों आपको एक 4 डिजिट का नंबर दिया जाएगा। वो कैसे आएगा, यहां पर दोस्तों आपने सिंपली पहले रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद 4 डिजिट का दोस्तों इस तरह से पहले कॉल आएगी, इसके बाद दोस्तों आपने इसको अटेंड नहीं करना है, रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करना है। रिसेंट ओटीपी पर दोस्तों जब आप क्लिक कर दोगे तो इसके बाद दोस्तों आपको एक मैसेज आएगा 4 डिजिट का। उस डिजिट वाले मैसेज को दोस्तों सिंपली यहां पर जो 4 नंबर होंगे सिंपली आपने यहां पर भरने हैं। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं एक मैसेज आया है, यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर मैसेज आया है, तो इसमें दोस्तों 4 डिजिट होंगे, तो यहां पर मैंने उनको दोस्तों यहां पर भर दिया है। इस तरह से दोस्तों आपने वेरीफाई पर दोबारा से क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों वेरीफाई करने के बाद यहां पर इस तरह से ऑप्शन आएगी, तो बाय वाली जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। अब बाय पर दोस्तों जब आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर बाय पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर थोड़ा सा टाइम देगा, 2 से 3 वीक का टाइम मिलेगा। इसमें दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं 2 से 3 वीक का जो यहां पर दोस्तों आपका जो स्टेटस है वो रिव्यू में चला जाता है। यहां पर नीचे देख सकते हैं ये दोस्तों 2500 पॉइंट का मेरा जो स्टेटस है वो रिव्यू में चला गया है। अब दोस्तों 1 वीक के अंदर अंदर ही दोस्तों आपको एक कोड मिलेगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं 1 वीक होने के बाद दोस्तों, जैसे मेरे यहां पर 1 वीक हो चुका है, तो 1 वीक होने के बाद दोस्तों आपको एक कोड मिलेगा जिसको दोस्तों प्रोमो कोड बोलते हैं। उसको दोस्तों आपने यहां पर अगर आप पेटीएम से याद देख सकते हैं, इस कोड को कॉपी कर आप दोस्तों पेटीएम वॉलेट में दोस्तों जब स्कैन करोगे तो आपको दोस्तों जैसे यहां पर 2500 पॉइंट के 400 रुपए मिल जाएंगे। तो इस कोड को दोस्तों आपको मिलने में 1 वीक का टाइम लगेगा। तो इसको दोस्तों आपने इस तरह से स्टेटस को ऐप को पहले आपने एक्टिव कर देना है, इसके बाद दोस्तों आपको ये प्रोमो कोड मिल जाएगा। इसके बाद वॉलेट में जाकर दोस्तों आपने इसको स्कैन कर लेना है। ये दोस्तों पेटीएम की पॉलिसी के खिलाफ है इसलिए मैं आपको आगे नहीं दिखा रहा हूं। तो इस तरह से आपने अपने पॉइंट को रिडीम कर लेना है।